नमस्कार, मेरा नाम मधुसूदन गोस्वामी है। मैं मथुरा से ही बिलोंग करता हूँ। 30 अप्रैल सन 2020 को मेरी पत्नी की डिलीवरी यहाँ हुई थी, जिसमें कि बच्चा इतनी क्रिटिकल कंडीशन में था, उसको प्री मैच्योर डिलीवरी करानी पड़ी, प्री टर्म जिसको कहते हैं, कि बच्चे बहुत क्रिटिकल होने के कारण जो सुविधा और जो उपचार मुझे यहाँ मिला है बच्चे के लिए, और जितनी फैसिलिटीज़ नर्सरी में मैंने पाई, कोरोना काल में इतनी कहीं नहीं थी, और ना ही अन्य जगह मुझे कहीं सुविधा मिली, ना ही इलाज को इतना महत्व दिया गया। बट यहाँ आकर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, आज मेरा बच्चा 48 दिन बाद यहाँ से स्वस्थ होके और निरोगी होके यहाँ से जा रहा है अपने घर के लिए, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, जिसके कि बधाई के पात्र यहाँ के डॉक्टर, यहाँ का नर्सिंग स्टाफ और नियति का पूरा परिवार, जिन्होंने इतने इक्विपमेंट, मशीन्स और जिस तरीके से बच्चे की केयर करके उसे स्वस्थ यहाँ से भेज रहे हैं। ईश्वर का तो हाथ होता ही होता है, पर नीचे डॉक्टर भी कुछ होते हैं, धरती पे भगवान नहीं हो सकते, आते हैं तो अपने रूप में किसी न किसी को भेजते हैं, जिस रूप में कि यहाँ डॉक्टर काम कर रहे हैं। इन डॉक्टरों ने अपनी पूरी मेहनत से, लगन से और यहाँ के संसाधनों का सदुपयोग करके और इस बच्चे को स्वस्थ करके यहाँ के दिया, इसके लिए सब बधाई के पात्र हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ नियति हॉस्पिटल का। देखिए, सब लोगों को सेटिस्फाई करना एक अलग विषय है, पर मैं यहाँ से सेटिस्फाई होकर जा रहा हूँ, ये मेरा अपना मत है। सबका अपना अपना व्यूज़ हो सकता है, पर मेरे लिए ये बहुत अच्छा रहा। और बहुत ही समस्या तो सबके जीवन में आती है, पर उसका निराकरण बहुत आसानी से हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है, जो कि मुझे नियति में आकर उपचार मिला अच्छा था। तो इसके लिए यहाँ के पूरे स्टाफ को, नर्सिंग स्टाफ को, जितनी बच्चे की केयर करी, मेरा बच्चा शुरू के कुछ दिनों में वेंटिलेटर पर रहा, ऑक्सीजन पर रहा, और जिस दिन वो हुआ था बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था कि उसके बारे में कुछ कहना असंभव था, पर आज वो असंभव कर 48 दिनों में संभव होके वो बच्चा घर जा रहा है। इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप सब लोगों का। नमस्कार।